राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत। हम प्रोफेसर संध्या गेहर, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश। आज हमारी चर्चा का विषय है सृजनात्मकता में सूचना संप्रेषण तकनीकी। जैसा कि विषय से स्पष्ट होता है कि आज हम लोग बात करेंगे सृजनात्मकता, सूचना संप्रेषण तकनीकी और कैसे सृजनात्मकता और सूचना संप्रेषण तकनीकी का आपस में तालमेल है। सृजनात्मकता मौलिकता, नवीनता और कुछ नया दिखाने की क्षमता रखना। हम सभी को पता है कि हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की मानसिक योग्यता होती है और इस मानसिक योग्यता के आधार पर ही वह समाज में लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक, संगीतक आदि के रूप में दिखाई देता है। अर्थात मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति होती है। आज के जटिल समाज में वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को पाने के लिए सृजनात्मक व्यक्तियों का होना राष्ट्र की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। समाज व्यक्ति व राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के बावजूद सृजनात्मकता की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। सृजनात्मकता को अलग अलग शिक्षाविदों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बताया, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा या कथन गिलफोर्ड द्वारा बताया गया। गिलफोर्ड ने कहा कि हम सभी में दो प्रकार का चिंतन होता है, एक अभिसारी चिंतन और दूसरा अपसरण चिंतन। अभिसारी चिंतन से तात्पर्य है कि हम अपने कई तरीके के विचारों के आधार पर किसी भी समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और ऐसे चिंतन में समस्या का हमें एक निश्चित उत्तर देना होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभिसारी चिंतन से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति का विभिन्न तरीकों से एक सही निष्कर्ष पर पहुंचना होता है और ऐसे चिंतन में हम एक निश्चित उत्तर की प्राप्ति करते हैं। जबकि अपसारी चिंतन से तात्पर्य है कि जहाँ पर हम किसी भी समस्या के बारे में भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचते हैं और विभिन्न दिशाओं में सोचने के साथ साथ हम उसमें कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं और इससे हमें जोड़ने के साथ में हम अलग अलग विचारों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार का जो चिंतन है वो अरूढ़वादी प्रकृति का होता है और जो अपसरण चिंतन है उसी को हम सृजनात्मकता के नाम से भी जानते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है और अनिवार्य रूप से जो नए विचार हों और जो पहले से न जानता हो, इस प्रकार के व्यक्ति नए नए कार्य करता है और ऐसी सृजनशीलता को ही सृजनात्मकता के नाम से जाना जाता है, जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति, नवीन रचना या नवीन आविष्कार करता है, उसे ही हम बालक अथवा व्यक्ति की सृजनात्मकता कहते हैं। इस प्रकार हमें ये समझ आता है कि हम सृजनात्मकता के अंतर्गत कुछ नए वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करते हैं और ऐसे विचार जो अनिवार्य रूप से नए हों, अर्थात अगर वो विचार पहले से भी रखा गया हो लेकिन इस समय जब हमने उस विचार को रखा है तो उस विचार का जो सृजन है वो नया हो, अर्थात व्यक्ति ने उसमें एक नवीन कार्य करके उस नवीन विचार का प्रतिपादन किया है और इस नवीन कृति और नवीन रचना और नवीन आविष्कार का करना ही व्यक्ति की सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता को कई लोगों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया, जिसमें स्टैगनर और कावस्की ने कहा कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। स्किनर ने बताया कि सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। गिलफर्ड ने कहा कि सृजनात्मकता बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं, उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है वरन उनमें लचीलापन, प्रवाहमयता, प्रेरणा, सम्यता की योग्यता भी पाई जाती है। इस प्रकार हमें ये पता लगता है कि सृजनशील व्यक्ति सदा नए दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार को अपनाने के लिए सदा तत्पर रहता है, जिससे वह समस्या के नवीन समाधान खोजने में सफल रहता है।
अगर हर दृष्टिकोण और हर परिभाषा को हम परिभाषित करके देखें तो अंत में निष्कर्ष के रूप में हमें एक ही पंक्ति दिखाई देती है कि सृजनशील व्यक्ति से तात्पर्य नया दृष्टिकोण, नया विचार, नया व्यवहार और नवीन तरीके से समस्या का समाधान करना। सृजनात्मक चिंतन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं कि चिंतन का विषय नवीन और मूल्यवान होना चाहिए और चिंतन बहुविधि होना चाहिए, अर्थात चिंतन के लिए हमारे पास कई तरीके के विकल्प होते हैं या हम बहुत सारे नए विकल्पों का इस्तेमाल करके एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। सृजनशील व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो बालक हो, लेकिन वह बालक, वह विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उसके विचारों में स्वतंत्रता होती है, वो किसी भी घटना, चीज या वस्तु को गंभीरता से नहीं लेते, वरन हर कार्य को वो मनोविनोद के साथ करते हैं। सृजनशील बालक हर विषय पर अधिक से अधिक विचार रखने की क्षमता रखता है और रखता भी है, और उसके विचारों को रखने में लचीलापन होता है और वो किसी भी समस्या का समाधान हमेशा नवीन तरीके से करने की कोशिश करता है। और सृजनशील व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छाओं का आदर करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पाया कि सृजनशील व्यक्ति के अंदर मनोविनोद, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, लचीलापन और जटिल समस्या का समाधान नवीन तरीके से रखने की विशेषताएं पाई जाती हैं। कैसे ये जो सृजनशीलता है वो संबंधित है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी से? अगर हम सूचना संप्रेषण तकनीकी की बात करते हैं तो सूचना संप्रेषण में तीन तरीके के घटक मुख्यतः पाए जाते हैं, जिनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के नाम से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के नाम से तथा दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीन घटक हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी के, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूरसंचार व नेटवर्क, इससे तात्पर्य क्या है? अब हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी की। कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी को हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट, आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्तियाँ आती हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का भाग है उसके अंदर सारा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो आता है, और अभी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपका, इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी के, सूचना संप्रेषण तकनीकी के तीसरे घटक की, जिसे हम दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रकमक तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा और सूचना का कूटन, जिसे हम क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं, वो आता है। अर्थात जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कुछ और दूसरे तरीके के व्यापारिक और वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं, कि कैसे इनको हम चालित अवस्था में लाएंगे, वो इसका तीसरा पार्ट आता है। अब सृजनशील बालक है, कैसे अपनी सृजनशीलता को, जैसे कि विचारों की स्वतंत्रता को, मानसिक प्रक्रियाओं के फिक्सेशन को और अपनी आलोचनात्मक चिंतन को और अपनी लोचशीलता को किस तरीके से इन प्रौद्योगिकी के साथ में जोड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, दूरसंचार हो, किस प्रकार से हम सूचना संप्रेषण तकनीकी को सृजनशीलता के अंतर्गत देख सकते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो सूचना संप्रेषण तकनीकी है उसने शिक्षा के क्षेत्र में कई तरीके से धमाका मचा रखा है। आज हमें बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से बहुत ही सरलता से और सुगम्यता से हासिल हो पा रही हैं, चाहे हमारी किसी भी परीक्षा का परिणाम हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, और साथ में जो हमारी दूरस्थ शिक्षा है उसमें भी सूचना जो संप्रेषण तकनीकी है वो अहम भूमिका निभा रही है।
इसी प्रकार से अगर हमें स्कॉलरशिप देना हो या ऑनलाइन हमें एडमिशन लेना हो, उसमें भी सूचना संप्रेषण तकनीकी अपनी विशेष भूमिका निभा रही हो। आज हम अपने भौतिक वातावरण को वर्चुअल वातावरण में बहुत आसानी से परिवर्तित कर पा रहे हैं। हम सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से अपने कक्षा कक्ष की गतिविधियों को बाहर बैठे दूरस्थ स्थान पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ में आसानी से जोड़ सकते हैं, और हम अपने विद्यार्थियों को एक वर्चुअल क्लासरूम की शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकते हैं। इस आधार पर हम ये पाते हैं कि सूचना संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षा के हर क्षेत्र में अपनी पहल बना रखी है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ कैसे सूचना संप्रेषण तकनीकी हमारी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सहायक हो सकती है? अभी इस चर्चा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारा जो चिंतन है वो सृजनात्मक चिंतन भी हो सकता है और अभिसारी चिंतन भी हो सकता है, लेकिन चर्चा का विषय, मुख्य विषय है कि सृजनात्मकता में सूचना संप्रेषण तकनीकी कि हमारी सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी कैसे काम करेगी। हम जब किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो हम उस समस्या का समाधान नवीन तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नवीन विचारों को इकट्ठा करते हैं, और इन नवीन विचारों को इकट्ठा करने में जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है, इंटरनेट है, google.com है आदि, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। इसी प्रकार से जब हमें उत्पाद के रूप में कुछ नया निकालना है तो उसमें हम कौन कौन से विकल्प ले सकते हैं, तो उन विकल्पों का चयन और वो विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं, इसको भी हम सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार जब सूचना संप्रेषण तकनीकी सृजनात्मकता के एक पक्ष के रूप में काम करती है तो जिस समस्या का समाधान एक घंटे में होना हो वह समस्या हमारी 20 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है, और कक्षा कक्ष के अंतर्गत भी हम सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, वर्चुअल क्लासरूम, रेडियो आदि इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एक दूरस्थ स्थान पर बैठा हुआ बच्चा है जो कि चाहता है कि वो भी दिल्ली जैसे राज्य में कैसे कक्षाएं चलती हैं और किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोगशाला में प्रयोग कराए जाते हैं, वो अमरकंटक में बैठकर देखना चाहता है, तो हम बहुत आसानी से सूचना संप्रेषण तकनीकी का सहारा लेकर उसको दिल्ली राज्य का जो परिदृश्य है वो अमरकंटक जैसे छोटी सी जगह मध्य प्रदेश के जाकर हम उसको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से अमरकंटक एक आदिवासी इलाका है, लेकिन वहाँ पर कुछ अपनी प्रकृति की अपनी कुछ प्रचुरता है, तो कैसे कोई बालक वहाँ की जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको यहाँ तक ला सकता है, तो इसमें भी सूचना संप्रेषण तकनीकी एक विशेष भूमिका निभा सकती है। हम वहाँ के पिक्चर्स को, वहाँ के वीडियोस को अपलोड करके यूट्यूब में यहाँ तक बहुत आसानी से चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सृजनशीलता इस दिशा की तरफ इंगित होती है कि कैसे हम नवीन विचारों के साथ में समस्या का समाधान करते हैं, और उत्पाद के रूप में भी हम एक ऐसी उत्पादकता करते हैं जो कि पूरी पूर्ण या आंशिक रूप से नई हो, अर्थात सृजनात्मकता में नवाचार का तत्व पूरी तरीके से शामिल है, और नवाचारों को आगे तक ले जाने में जो हमारी सूचना संप्रेषण तकनीकी है वो एक विशेष अहम रोल निभाती है, और इस विशेष अहम रोल निभाने में चाहे वो उसका कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट हो या दूरसंचार का पार्ट हो, वो तीनों ही भाग उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे विचारों को तीव्रता तब मिलती है कि जब हम जो भी मानसिक प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं उससे संबंधित हमें जो विषय वस्तु है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं
तब हमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अगर हम google.com से उस विषय वस्तु विशेष का कुछ भाग लेना चाहते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से जो सृजनशील बालक है उसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी अपनी भूमिका निभाकर उसकी सृजनशीलता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि सृजनशीलता क्या है, संप्रेषण तकनीकी का निष्कर्ष क्या है और कैसे सूचना संप्रेषण तकनीकी सृजनशीलता में अपनी भूमिका निभाती है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह चर्चा लाभकारी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।